तो जेनेटिक चल रहा है टॉपिक, ठीक हो? बायोलॉजी क्या चल रहा है? जेनेटिक, अनुवांशिक, माता पिता का लक्षण, संतान में, और संतान में माता पिता बनेगा तो उसके आने वाला संतान में यानी पीढ़ी दर लक्षण का स्थानांतरण होती है, अनुवांश की कहलाता है। परिभाषा आया? पीढ़ी दर लक्षण का स्थानांतरण होती है, स्थानांतरण होती है। इसे ही अनुवांश के या इंग्लिश में परिभाषा याद हो गया? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण का स्थानांतरण ही इंग्लिश में कहलाता है, जेनेटिक कहलाता है। इसमें पढ़ा रहे थे टिश्यू कल्चर। इसमें सुधार ला करके लक्षणों में बदलाव लाया जा सकता है। तुम लोग क्या कर रहे हैं खड़ा वहां? लक्षणों में सुधार लाया जा सकता है। फिर आप सब लोग के लिए जो अगला टॉपिक बना है उस अगले टॉपिक को यानी आगे हम जोड़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं मीडियम मेडियम और कौन कल्चर, टिशु कल्चर और क्या टॉपिक है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आसान हो जा रहा है। तो मीडियम ऑफ टिशु कल्चर ये टॉपिक, तो मीडियम ऑफ टिशु कल्चर है यानी ऊतक संवर्धन की माध्यम। कौन संवर्धन की? ऊतक संवर्धन की माध्यम। माध्यम यहाँ पर हो गया कौन सा वर्धन की? ऊतक संवर्धन। एक ही लाइन में समझ जाइएगा, साधारण लक्षण को बदलकर विशेष लक्षण को लाना, साधारण लक्षण को बदलकर यह कल्चर है, यही कल्चर है। साधारण लक्षण को बदलकर लाना ये क्या है? कल्चर है। और यह क्रिया टिशू में होती है तो इसी का नाम, क्योंकि टिशू जो है वह सेल का झुंड है। सेल के झुंड को क्या कहते हैं? सेल जब अकेले है तो सेल है, और जब समूह है तो टिशू है, और इसी में सुधार लाना ही कल्चर है। और यह क्रिया सिर्फ टिशू में होती है तो इसका नाम टिशू कल्चर है। अब टिशू कल्चर के लिए कैसा माध्यम होता है उस माध्यम को पढ़ना है कि टिशू कल्चर के लिए माध्यम क्या होना चाहिए, हम लोग को पढ़ने का माध्यम क्या होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश होता है ना? तो ये माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग किस माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो आप मैट्रिक क्या है किस माध्यम से बोलो? इंग्लिश से हिंदी से? हिंदी माध्यम। कुछ बच्चे इंग्लिश माध्यम तो ये माध्यम हो गए। तो उसी तरह से कल्चर करने के लिए कैसा माध्यम चाहिए, खेती करने के लिए क्या माध्यम चाहिए बोलो? खेती करने के लिए क्या माध्यम चाहिए बोले बाबू? अरे मिट्टी। खेती के लिए मिट्टी और मौसम। खेती के लिए मौसम क्या है माध्यम? आजकल बताइए कोई गेहूं बोलेगा होगा नहीं यहाँ, लेकिन धान का बिचड़ा लेंगे तो, क्योंकि मौसम ऐसा है। तो समय को देखते हुए हम लोग काम करते हैं, माध्यम जैसा रहता है उसी तरह का स्थिति होती है। तो अब कल्चर करवाने के लिए माध्यम पढ़ेंगे कि माध्यम कैसा होना चाहिए। अब ये बताइए कि हम लोग यानी खेती करते हैं और खास करके फसल उगाते हैं, तो फसल जब उगाते हैं तो ये बताइए कि जो फसल होता है वो फसल हरा होता है किसके प्रकाश से? किसके प्रकाश से? यानी सूर्य के प्रकाश से फसल का रंग होता है कैसा? एक मतलब हुआ कि सारे के सारे ऊर्जा प्राप्त हो रही है कहाँ से? तो सूर्य माध्यम हो गया कि नहीं हो गया? यस या नो? बोलना है सबको। तो सूर्य माध्यम है खेती करने के लिए। अब फसल पर निर्भर करता है कि उसमें पता है या नहीं, आवाज देना है। यदि उसमें पता नहीं होगा तो भोजन बना पाएगा नहीं। तो भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों में हाँ एक साथ बोलिए क्या चीज होना जरूरी है? पत्ता होना जरूरी है। वो भी पत्ता का रंग कैसा होना जरूरी है? हरा रंग होने का कारण क्या है? क्लोरो
क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पत्तों में। तो अनुमान है कि संसार में जितना भी पेड़ पौधे हैं, संसार में सभी के सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पता चल गया? यस सर। फिर भी उनको हम लोग उपलब्ध कराते रहते हैं। फिर भी बोले फिर भी हम लोग स्टार्ट मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। संसार में जितने भी पौधे हैं वो अपना भोजन किनकी प्रकाश से? और फिर भी उनको भोजन देना पड़ता खाद और जल के रूप में। खाद डालते हैं ना जड़ में, पानी से पटाते हैं उसकी पत्तों को, पक्षी को पटाते हैं जड़ में ना, पत्ता पर पानी छिड़कते जा मिल जाएगा सबको, जड़ में पानी डालते हैं तो फिर भी उसको देना पड़ता है। तो इस संसार में जितने भी पौधे हैं वो अपना भोजन और फिर भी हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। और इस संसार में सभी पौधे एक जैसे सभी पौधे एक जैसे नहीं है, भिन्न भिन्न तरह के हैं। तो विभिन्न तरह के पौधे हैं तो भिन्न भिन्न तरह के उसे पोषक माध्यम की अनिवार्यता होती है। हमारे रफीगंज की धरती पे सभी तरह के पौधे नहीं मिलते हैं। यहाँ कहीं देख रहा है किसी के सेब का पौधा रफीगंज में? अंगूर किसी किसी के पास होगा लेकिन बड़े पैमाने पर तो नहीं। इसका कारण क्या है? नारियल, नारियल भी कहीं कहीं होगा लेकिन हम लोग विशाखापत्तनम की ओर चलिए। किस ओर चलिए? तो वो विशाखापत्तनम की ओर चलिएगा, चेन्नई की धरती पर चलिएगा तो सड़क के किनारे मिलेगा नारियल। नारियल नीचे गिर न जाए इसलिए बोरा बांधा रहता है, नीचे दुकानदारी होते रहता है, ऊपर नारियल फला रहता है, केवल उसमें कांटे हैं और उसकी पत्ती ऊपर चला जाता है। वो पेड़ के सहारे बताइए, वो पेड़ बताइए लंबा होता है, समझ आ रहे हैं बात? तो वो जो है कि वहाँ पर उसकी खेती हो रही है नारियल की, और नारियल हम लोग को भी चाहिए। तो एक बात हम लोग वहाँ से क्या करते हैं? आयात करते हैं कि निर्यात करते हैं? आयात करते हैं। तो उस तरह का उनको क्लाइमेट मिला कहाँ? कुछ हमारे यहाँ है जो वहाँ नहीं है, हमारे यहाँ जो है सो वहाँ भी नहीं है, तो हमारे यहाँ उसका क्लाइमेट है। तब विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं और सभी की पोषक माध्यम अलग अलग होता है। इस संसार में समस्त जाति के जीवों में खास करके पौधे अपना भोजन, फिर भी इनको पोषक माध्यम की आवश्यकता होती है जिन्हें उपलब्ध कराना पड़ता है। विभिन्न तरह के पौधे होते हैं जिनके लिए अलग अलग माध्यम की अनिवार्यता होती है। क्लियर हुआ? इसके लिए वैज्ञानिकों ने, क्योंकि दांतों मिलेंगे तब ना टिश्यू बढ़ेगा। अब बच्चा को जन्म दे दें और उसको बताइए मेंटेनेंस ना करें, बच्चा विकसित होगा? खटाल में बताइए गाय की बच्चा आता है, अधिकांश खटाल वाले दूध के चक्कर में बच्चे को क्या कर देते हैं? बोलो, नहीं मालूम तुम लोगों को? खटाल में गाय या भैंस के बच्चे होते हैं उसका पोषण मिलता है? नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आधे केजी दूध बच्चे को पीने के लिए छोड़ेंगे तब वो बच्चा बचेगा। अब आधे केजी दूध का रेट 25 रुपये है और पानी मिला दिया तो 30-35 रुपये भाग जाएगा एक टाइम का। और वही आधा के जी दूध सुबह में और आधा के शाम में, यानी 100 रुपये का दूध बताइए बच्चा पी रहा है रोज, वो 100 रुपये बचाने के चक्कर में बच्चे को मार देते हैं। कौन? बोलो, खटाल वाले। तो वो बच्चा को पोषक तत्व नहीं मिला तो क्या उसमें उसके अंदर में कल्चर हो रही है टिशू की? तो टिशू की कल्चर होने के लिए पोषक तत्व चाहिए ना। आप लोग दिन भर में कितने बार भोजन करते हैं? लगभग 3 बार तो जरूर सोते सोते, और फिर भी बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ लेते रहते हैं ताकि मेंटेनेंस बना रहे, और ना लेते हैं तो मन में सूखा सूखा सा लगता है, फीका फीका सा लगता है। तब याद करते हैं कि बताइए नाना मोसा में है ना, कि मालदा है बताइए दशहरी आम लेके आएंगे है ना,
बोले yes, हाँ मनाते रहते कि भगवान हमरा ही कब है ना लॉकडाउन में कोई आ रहा है ही नहीं, तो आप बताइए तेईस सौ ऊपर का चीज है, रोटी तो खा ही लेते, चावल खेवे के, दूध दही लेवे के, लेकिन ऊपर से फल भी कुछ मिठाइयां भी बोले ये सब से आपके शरीर में कैल्शियम की कल्चर होती है, तो उसी तरह से पेड़ पौधों में भी कल्चर करवाना पड़ता है और उसके लिए माध्यम बनाना पड़ता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने तीन प्रकार के माध्यम बनाए हैं, क्योंकि यीशु कल्चर का माध्यम बन रहे हैं। तो इस संसार में विभिन्न तरह के पौधे होते हैं, सही पौधे को अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वैज्ञानिकों ने कितने प्रकार के माध्यम विकसित किया देखेंगे जो बता रहे हैं और टेली कर रहे हैं। कैसे किसी संपादन माध्यम तो हो गया था, सही प्रकार के पौधे जो प्रकृति में उगते हैं स्वयं भोजन बनाते हैं। जब पौधे को आर्टिफिशियल माने हम लोग अपने ढंग से प्रयोगशाला में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है, उस समय वे माध्यम में उपस्थित पोषक तत्वों पर निर्भर रहते हैं। प्लांट को अलग अलग स्पेसिफिक पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है, जो विभिन्न तरह का बता रहे थे, जिस कारण यानी कई प्रकार के पोषक माध्यम वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पर बताइए दो माध्यम दिया है ना, वैज्ञानिकों ने कितने माध्यम विकसित किया है, दो माध्यम बनाए जो पैकेज में है। अभी हम और बताएंगे, हमने तीन बताया उसमें दो है, बताएंगे एक और है नहीं, काले का लिखा हुआ है तो हम उसमें एक पैकेज में कलम लगा दी, विवेक कौन आ जाते पैकेज में कलम से लिख रहा है करेगा से कैसे सीखता है बचपन में ही सीखा। तो प्रकृति में जो भी पौधे उगते हैं अपना भोजन, कांटेदार वृक्ष को कभी आपने भोजन डाला कभी डाले, तो प्रकृति में बहुत सारे झाड़ियां ऐसा है जिसको कोई उगाता नहीं है और वो खुद उसको हम लोग खाद जल नहीं देते हैं, लेकिन जिसको हम लोग खुद उगाते हैं जैसे धान रोपने के लिए कितना मेहनत करते हैं, चारों तरफ से क्यारी बनाते हैं, उसको क्यारी मजबूत रखते हैं ताकि हम अपने खेत की पानी खाद वाला दूसरे के खेत में बहने ना दे, इसीलिए ना yes, और यदि आप डालिए खाद दूसरे में बह के चल जाएगा तो फायदा किसको मिलेगी, दूसरे को, और तो ऐसी रह जाता सूखा। तो हम लोग कितना मेहनत करते हैं, किसान दिन भर पानी आ गया तो भीग जाएंगे, धूप निकलेगा तो सूख जाएंगे, है ना, खाना पीना सब खेते पर करेंगे, है नहीं, रोटी पानी में भीगेगा तो चलेगा, चावल के साथ भी बताइए, क्योंकि घर तक आएंगे तो भी बताइए काम छूट जाएगी। ये काम करने वाले खेतों में कौन होते हैं, किसान लोग होते हैं, और वह स्त्री पुरुष पूरे मिलकर के खेतों में काम करते हैं, तब जाकर खेती होती है, तब उससे बताइए सालों भर के खाने का भोजन छूटता है, क्योंकि उसको खुद हम लोग आर्टिफिशियल माध्यम को उगाते हैं, खुद हम लोग बनावटी माध्यम को उगाते हैं, तो जिस पौधे को उगाते हैं उसको भोजन की प्रबंध खुद करते हैं, और जो पौधे स्वयं उगता है उसका भोजन की प्रबंधन करना आवाज कम गया नहीं। तो प्रकृति में जो पौधे स्वयं उगते हैं वो भोजन, किंतु जिनको बनावटी माध्यम पर उगाते हैं उनका भोजन की प्रबंध करना पड़ता। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कितने माध्यम बनाए हैं, पैकेज में कितने माध्यम है, उसी को लेकर चले अभी और बताएंगे। वैज्ञानिकों ने दो माध्यम बनाया है, पहला है नहीं नगाटा टाके मीडियम और दूसरा है व्हाइट्स मीडियम, देखोगा पैकेज में माध्यम बनाया है व्हाइट्स मीडियम, कौन मीडियम, व्हाइट्स मीडियम, अब इसको ध्यान देना है, व्हाइट्स मीडियम क्या है तो गौर कीजिएगा, इसको समझा रहा हूँ, समझ आ रहा है कहा सबको, व्हाइट्स मीडियम समझ आ रहा है, खाली नाम समझ आ रहा है कैसे बनता है सो सुनिए। यानी आप सब लोग पान के पत्ते को आपने देखा होगा, पान दुकान पर आता है, पान दुकान वाला उसको कटिंग करता है और तब पान में बताइए पहले कत्था फिर चूना फिर सुपारी उसके बाद काला पीला जर्दा लगा के है नहीं, लौंग इलायची बताइए मिलेगी जब मीठा पान खाइएगा, और काला पीला मिलेगी तुलसी चौसर ऐसे ना जाता है नहीं, बोले हमने ना आता है गाय सर आता है था ना बोलना है, काला पीला तुलसी चौसर अब बोल बोल सौंफ और मीठा पान है सौंफ
पता ही बाप रे दादा ने खाना। तो आप बताइए इस स्थिति में आप लोग उस पत्तियों को चबाते हैं और यानी एंजॉय करते हैं। वो पान के पत्ती की जो खेती होती है आपने देखा हो, डायरेक्ट वहां धूप नहीं पड़ता है। पान के पत्ते का जो खेती होती है कितने लोग देखा है, इतने लोग देखे हैं। कैसे रहता है बाबू छावनी उसकी, देखिए एक क्या है इसके अंदर में पान की खेती हो रही है तो चारों तरफ से डंठल से छाया हुआ रहता है और उसके अंदर चल जाइए तो बताइए बिना नींद के भी नींद आ जाता है। इतना बताइए ठंडा होता है लेकिन डर भी रहता है, ग्रीन कलर का होता है और उसमें उड़ने वाला सांप का बछड़ा होता है। जो सांप उड़ सकता है और हरे रंग का होता है, पतला लकड़ी की तरह होता है सांप और बहुत छोटा होता है, मुनगा की तरह होता है, सही बोल रहा है। वो सांप उड़ता है और उड़ने का देखो ठंडा के कारण खुद वहां पर जिंदा होता है, जीवित होता है। पान की पत्तियों में ऐसा व्यवस्था है कि सांप को उत्पन्न कर सकता है, उसकी प्यूपा को और उसका प्यूपा यानी अंडा स्वयं बनता है और उसका अंडा स्वयं बनेगा और वही अंडा फूटेगा तो उसका विष तैयार होगा यानी सांप बनेगा। और वह आम की जहां आम बोलो पान की जहां पत्ते की खेती होती है ना वहां पर बसता है, इसलिए पान तोड़ने वाला बड़ा हिफाजत से पहुंचता है। तो हम वो बात नहीं बता रहे, छावनी करके यहाँ पर धूप तो नहीं है, धूप का हम लोग को जरूरत है, खिड़कियां हैं, वेंटिलेटर है, तो उसी तरह से चारों तरफ से छावनी करके पान की खेती की जाती है। लेकिन आम और इस पेड़ को देखे तो छावनी है तो वैसा माध्यम जहाँ सूर्य की प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से न पहुंच कर उसका सिर्फ छाया पहुंचता है उसी माध्यम को बोलिए पैके से बोलिए कौन मीडिया पैके सबके पास है, कुछ लोग को घर पर होगा तो पढ़ के हमें किया हूँ तो वॉइस मीडियम समझ आया कैसे परिभाषा दीजिएगा। वैसे माध्यम जहाँ सूर्य की प्रकाश हाँ प्रत्यक्ष रूप से न पहुंच कर उसकी छाया का ही प्रभाव पड़ता है। कौन मीडियम का लाता वॉइस मीडियम का लाता क्या ये पान का पत्ता स्वयं हो रहा है, पान की खेती स्वयं उजागर हुआ है, उगाया जा रहा है ना, तो इसको बनावटी कहेंगे कि प्राकृतिक कहेंगे, तो इसको माध्यम हम ही लोग जुटाएंगे तो माध्यम हो गया। तो वॉइस मीडियम समझ आ गया। दूसरा है नगाटा टाके मीडियम, नगाटा टाके नगाटा टाके मीडियम, ये देखिए कैसे तैयार होता है। सबसे पहले मिट्टी को कई बार कोड़ाई या जुताई करते हैं पौधे उगाने के लिए ताकि फसल अच्छा हो। पान खाने वाले हैं तमाम लोग और उसमें बताइए लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कलकतिया पत्ता था, पान में कलकतिया आता है, बनारसी आता है, बनारस वाला ना बोलो तो नहीं मियाँ, पान की पत्ते मशहूर है कहाँ वाला, बनारस वाला या फिर कलकतिया या फिर बनारसी पत्ता मशहूर है। और तीसरा बता रहे हैं हल्दिया पत्ता, हाँ हल्दिया कलर का होता है वो पत्ता, थोड़ा सा कड़ा होता है बाबू है नहीं बोलो, हल्दिया पत्ता जो है वो थोड़ा और मुंह में चाहिए कौन सी मिल रहा है कौन सी, देखिए कड़ा होता है लेकिन टेस्टी होता है, हम भी पान करके पांच विचार कर रहे हैं है ना। पान की हल्दिया पत्ता होता है जो कड़ा होता है और जब लपेटने के दौरान इसमें कितने लोग पान को लपेट लेते हैं बोले पान लगाने आता है तो है नहीं, पान के पत्ता कर लेते हैं अलावा अलग बता रहे मेरे सामने कोई हाथ नहीं उठाएगा ना, तो पान का एक पत्ता का लेकर आइएगा ठीक है, हम बताएंगे कि उसमें क्या विशेषता है, एक मुलायम होता है एक कड़ा होता है, तो ये तीन जगह का बताइए, एक हल्दिया पत्ता एक बनारसी एक कलकतिया वाला कलकतिया, ये तीनों की प्राथमिकता है, तीनों को उगाया जाता है। अब जहाँ पर पान की खेती की जा रही है या अन्य प्रकार का कमर्शियल खेती कर रहे हैं जैसे चाय की खेती कर रहे हैं
तो चाय का फसल का डायरेक्ट हो जाएगा, प्रकृति में स्वयं उगेगा चाय की, पता उसको उगाना पड़ेगा ना। तो बिहार में कौन सा बताइए जिला है जो चाय के लिए प्रसिद्ध है? बोले सहरसा, यानी चंपारण, चंपारण जिला को बनाया गया है। ऐसे चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राष्ट्र में होता है? राष्ट्र राष्ट्र कौन सा ऐसा देश है जहाँ चाय का उत्पादन ज्यादा होती है? चीन। ये सब जीके नहीं पढ़ते आप लोग? अब बताइए जहाँ ज्यादा से ज्यादा होती है, और भारत में कौन सा राज्य में? असम में चाय की खेती होती है। और हम लोग बताइए जो दुकान से लाते हैं उसकी भूसियाँ ले आते हैं, चाय का दाना होता है जो दो चार दाना डालेगा ना तो क्लियर हो जाएगा। और हम लोग बताइए दुकान से लाते हैं बताइए तो वो पैक करके रहता है 10 रुपया वाला दे दीजिए चाय पत्ती, तो उसमें उसका बताइए भूसिया जो अगर रहता है ना वो वाला मिलता है। तो क्या कीजिएगा, बस हम लोग मेंटेनेंस करना चाहते हैं कि चाय पी रहे हैं चाय, लेकिन वास्तविक चाय है नहीं, नहीं मिल रहा है। इसलिए बताइए आप लोग को कंपनी और ब्रांड देख करके लेना होगा। आगे बढ़ते हैं तो वाइस नगाटा है, वाइस मीडियम के बाद नगाटा टका मीडियम है, तो उसके लिए मिट्टी को कई बार क्या किया जाता है? जुताई या कोड़ाई किया जाता है, ठीक है। उसमें 3 लेयर बनाते हैं टाके मीडियम, पहला लेयर मिट्टी की, दूसरा लेयर जो होता है उसमें जैविक खाद, कौन खाद? बायो फर्टिलाइजर्स। पहला क्या चीज क्लियर हो गया? पहला क्या चीज का लेयर हो गया? मिट्टी का। उसके बाद जैविक खाद कैसे तैयार होगा बताओ मैया तरफ से? जैविक खाद क्या है कौन बताए? खड़ा बता जल्दी, 1 2 पढ़ाई कौन थी? तैरने से तैयार होने वाले खाद को जैविक खाद कहते हैं, और घोड़ा से में जो आता है वो रासायनिक खाद होता है। तो हम लोग किस खाद की बात कर रहे हैं? जैविक खाद की बात कर रहे हैं। तो जैविक खाद तैयार होता है वही जैविक खाद, तो मिट्टी का लेयर फिर जैविक खाद बोला, और उसके बाद मिट्टी का यानी धूल, मिट्टी का धूल तो कितना लेयर हुआ, और उसके बाद नमी बना लेते हैं पानी डाल करके, और तब वृक्षारोपण करते हैं। तो ऐसे माध्यम को बोलो नगाटा टाके मीडियम कहते हैं, जो पैकेज में अवेलेबल है। तो कितना मीडियम बताए? सूर्य के प्रकाश से, एक मिट्टी के चुनाव से। क्या ऐसा खेती करते हैं कि नहीं करते? खेती करने का है ना व्यवस्था है, बोले ना घर में खेती होता है ना, सब लोग खेती करते हैं। जिनके घर में नौकरी हो गए यहाँ पे उनके घर में बताइए लोग किसानी का काम कर रहे हो, हकीकत है ये। क्योंकि बताइए खेती हमारा संप्रदाय है और खेती से हमारे बताइए भोजन चलती है। खेती का बताइए तब अर्थ बुझाया जब लॉकडाउन, लॉकडाउन हुआ तो बुझाना क्या कि खेती क्या जरूरी है? जिनके घर में चावल गेहूँ खैर का था उसको सोचना पड़ा लॉकडाउन में, है ना। घर का खेती है तो आलू का भी सीजन था, प्याज का सीजन था, प्याज रोटियों आलू भा और खेती है तो भैंस उगा रहे करेंगे बताओ, है ना, दूध रोटी मारे दो ना धोनी को, है ना। बताइए पुदीना का जरूरी था ले रोजी ना, कोई जरूरी नहीं क्योंकि घर वाला है तो सब ठीक है। और जिनके पास खेती नहीं थी बाहर वाले पैसे पर आश्रित थे उनको बताइए सोचना पड़ेगा, इसलिए खेती आधार है और वो भी भारतीय प्रथा में खेती है। अब बिहार वाले कितना जरूरी है, अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर हो गया दो माध्यम, एक हो गया सूर्य की प्रकाश से, एक हो गया मिट्टी के चुनाव से। तीसरा जो माध्यम है वो ध्यान दीजिए, तीसरा माध्यम क्या है? तीसरा माध्यम होता है व्हाइट मीडियम, नगाटा टाके मीडियम, और तीसरा जो माध्यम होता है वो त्रिकोणीय मेथड होता है, और त्रिकोणीय मेथड उसमें नहीं शामिल की गई है, यहाँ बता रहा हूँ। त्रिकोणीय मेथड क्या होता है गौर कीजिएगा, सबसे पहले यानी बताइए मिट्टी को लोम बनाते हैं, लोम, लोम मतलब समझ रहे हैं, मिट्टी को पहले यानी पानी से पाट देते हैं, यानी मिट्टी में पहले कौन सी प्रवेश कराते हैं? पानी, और पानी प्रवेश करवा करके यानी
लगाने वाले फसल को यानी कटिंग करते हैं, जैसे ईख को फसल को कटिंग करते हैं, इतना बड़ा बताइए माने के नीचे से खड़ा कर देंगे, इतना बड़ा एक डाढ़ होता है क्या जी? बोलना ना, देखना है कतारी मेरे नहीं बोली थी यार, आप ये कहीं तो समझ मान तो कहो ना कतारी है ने? तो जब उसको बताइए छोटा छोटा उसको गुल्ला बनाते हैं, वही गुल्ले को क्या करते हैं? रोपाई करते हैं। तो इस मीडियम को यानी बताया त्रिकोणीय मेथड बोलते हैं। और वह बताइए यानी उसका यानी त्रिकोणीय इसलिए बोलते हैं कि तीन हिस्सा मिट्टी में और एक हिस्सा ऊपर होता है। नहीं देखे का रोपाई किया है ना? हाँ, रोपते समय बताइए करना पड़ता है आंख में काजल, बाल में तेल, सही बोलती हूँ? नहीं मालूम? हाँ रे, हम कहने था जिनका हमें सब पहले रहा है, हाँ, ये करने आप किए हैं, बताइए, तीन महीना बताइए कितने रुपए चलेगा, है ना? आप बताइए, दांत में कौन सी करना पड़ता है? बाल में? तब बताइए रोपाई होती है? बोले हैं? इसलिए यानी सच्चे बता रहा हूँ, ये बताइए टोटमा होता है तब जाकर के ना उससे बताइए जल्दी जल्दी बताइए फसल तैयार होती है। तो ये त्रिकोणी में तक ये सब माध्यम जो बनाया गया ये प्राकृतिक माध्यम है कि आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल मेथड से फसलों को तैयार करने के लिए माध्यम बनाना पड़ता है। इसके लिए किसने काम किया? हम लोग की वैज्ञानिक लोग, वैज्ञानिक लोग। इसके अलावा बताइए, देखिए नीचे दे दिए, पोषक माध्यम लिक्विड या सेमी सॉलिड हो सकता है। कहने का मतलब कि अभी खेती करने के लिए या तो माध्यम को पूरा पानी वाला होना चाहिए या फिर बताइए उसमें कीचड़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कीचड़ होना चाहिए, या तो तरल या फिर अर्ध ठोस होता है। कैसा माध्यम होता है? तरल या हाँ। इसमें बताइए बाहरी पदार्थ को मिला देते हैं तो उसमें पोषक तत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस तरह से बताइए जैविक खाद डालते हैं तो कई तरह के पोषक तत्व आ जाता है। कौन खाद डालने से? जैविक खाद। लेकिन हम लोग बाजार से चलाते हो, उर्वरता तो बढ़ती है लेकिन मिट्टी धीरे धीरे बंजर होते चला बंजर। क्या बंजर का मतलब? कोई फसल को उगाया नहीं जा सकता है आने वाला समय में, इसलिए जैविक खाद डालना जरूरी है। जैसे जानवरों के मलमूत्र गोबर, जो अभी बताइए कुछ दिन पहले आप लोग को घरों से खेतों तक गनोरा गया होगा, बोले बोले कोची से गया था ट्रैक्टर से लादतवल के, अच्छा बाप ने लाया था तो अकेले कहानी आलो बे ट्रैक्टर वो भाड़ा पर होगा। देखो देखो वो क्या बताइए चाप चाप खिलाते हुए तो वहाँ किराए में तो खूब आराम मिल लो हाइड्रोलिक वाला है तो फादर किसी के देना वाले बताइए इतना अच्छा हाइड्रोलिक। आप बताइए तो इस तरह से यानी एक खेती में जैविक खाद का छिड़काव करने से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। ऐसे माध्यम को ही यानी उत्तक संवर्धन माध्यम कहते हैं। हकीकत है कि लोग बोल रहे हैं कि हाइड्रोलिक से गिरवा देंगे, जहाँ गनोरा गिर लो वहां से तो छीटे पर तो सब जाएगा छोड़ देंगे छिटे पड़ते ना छिटवाऊ कितनो तयो जहां गिर लगा वहां रह ज्यादा और वहां रोपा रोपाई जब होगा फसल का तब देखे कि वहां पर बताइए कितना बताइए फसल लंबा होगा। जुताई होगा फिर भी कुछ न कुछ ज्यादा ही अंश रहेगा वहां, क्योंकि वहां पर गिरा है तो वहां पर अंश रहेगा ही ज्यादा और वहां पर देखिएगा सब जगह से अलग फसल वहां दिखेगा। महसूस नहीं किया अभी तक? बाबू तो वहाँ पर क्या हुआ आखिर एक ही तरह का गाछ लगाए पूरे खेत में,
बुरा खाद पूरे खेत जैसे एक ही तरह के कार्य से पाट दिए, जितना भी खेत है एक ही तरह का फसल लगाया, लेकिन उस जगह पर बताइए उसकी डंठल अलग दिखाई दे रहा, उसकी कलर अलग है, उसकी पत्तियां अलग है, उसके बताइए निकलने वाले जो अनाज होगा जो दाना होगा उस दनु अलग हो जाएगा है नहीं, उसका उस जगह पर दाना बहुत पहले निकलेगा, उस जगह पर जो दाना है अन्य जगह से पहले निकले, क्यों? क्योंकि वो पुष्ट तब पुष्ट हो गया, एक ही तरह का नस्ल है और वो पुष्ट हो गया, इसका मतलब कि यहाँ पर संवर्धन हुआ, कल्चर हुआ, और कल्चर कैसे का होगा? और ऐसा ना होता नहीं, सब देख लीजिएगा, कभी नहीं लोग आए होंगे तो महसूस किया होगा, और ये सब देख लेना क्योंकि हम पहले पढ़ा दें, देसी का नाम होगा कौन कल्चर, पूरा याद हो गया, बोलिए तो कहाँ से शुरू कीजिएगा उत्तर संवर्धन माध्यम में, प्रकृति में, यहाँ से शुरू करना, प्रकृति में उगने वाले फसली पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किंतु जिस फसल को बनावटी ढंग से अपने माध्यम से कृत्रिम विधि से तैयार करते हैं उसे पोषक माध्यम जुटाना पड़ता है, क्योंकि संसार में विभिन्न तरह के पौधे उगाए जाते हैं, इन सभी के लिए पोषक माध्यम अलग अलग होता है जिसका मौजूदगी अनिवार्य है, इन सभी विधियों को ध्यान रखकर वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरह के पोषक माध्यम उपलब्ध करवाया है, जैसे व्हाइट मीडियम, नगाटा का केव मीडियम, इस विधि से यानी फसली पौधे को उगाने के लिए मिट्टी का चुनाव करते हैं और सूर्य के प्रकाश को ध्यान में रखते हैं, मिट्टी में बाहरी पदार्थ जैसे अगर अगर निकल है बाहरी पदार्थ मिलाने से जैसे धूलकण को मिलाने से मिट्टी तरल या अर्ध ठोस में बदल जाता है, तब फसल के लिए चुप हो जाता है और फसल के लिए विभिन्न तरह के अवयव उस मिट्टी में आ जाते हैं और तब उसके अंदर टिश्यु का संवर्धन होता है और यही संवर्धन ऊतक संवर्धन के नाम से विख्यात है और ऐसे माध्यम को ऊतक संवर्धन माध्यम कहते हैं। आया बोला क्लियर हो रहा है सबको? इसलिए बताइए और ऐसा ही फसलों को छोड़ देंगे खेत में तो विकसित होगा? तो विकसित होने के लिए बार बार हम लोग को क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा, बोलो ध्यान रखना होगा, यदि हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो बर्बादी की स्थिति बनेगी, इसलिए ध्यान रखना होगा। अगला टॉपिक है इसी में सोमैटिक एम्ब्रियो जेनेसिस, बाकी सब होगा पास में तो देखिएगा दे लोगा पता चल रहा है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस माध्यम में आओ, किसी को प्रश्न है कुछ? नहीं सर। चलिए तो नहीं है ध्यान दीजिए, प्रश्न है तो पूछना है, और कल भी बोले थे कि घर पर पढ़ते समय किसी तरह का कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप पर यानी भेजिए, सारे लोगों को मालूम है, ऐसे यूट्यूब का लिंक सब लोग को भेजा गया है, आप YouTube पर भी जो टॉपिक है उसको पढ़ सकते हैं, आपको रेनबो क्लासेस रवि नंदन सर्च कीजिएगा आ जाएगा, या फिर लिंक डाला हुआ उस लिंक पर देखिएगा, जैसे ही अपलोड होता है आप लोगों को लिंक चला जाता है मोबाइल, इसमें कितने बच्चे और बच्चियां हैं जो YouTube को यूज करते हैं हाथ, कल इसको बताएंगे, कल हम लोग इंजीनियर के कपड़ा में लपेटेंगे यानी कौची को बीज को, तो यानी बीज को यानी चना एकाध रोटी फुला के कर लेते आना है, कल पान का पत्ता एक लेते आना है और चना को फुला के लेते आना है, ठीक है? हाँ, और उसको देखिएगा।